अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज थोड़ी सी ठंड है, इस वक्त टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 2 है और नवंबर की 13 तारीख है। और आज मैंने सोचा कि छुट्टी भी है तो ये लहसुन लगाया हुआ था और गार्लिक जो काफ़ी अरसे से लगा हुआ है तो उसको अब मैं निकालने लगा हूँ। तो आइए मेरे साथ। सुभान अल्लाह, इसको उतार रहा हूँ तो इसमें खुशबू भी आ रही है लहसुन की। ये लहसुन की चटनी भी बन सकती है और सूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह जो चाइनीज़ हैं वो बहुत इसको इस्तेमाल करते हैं अपने जो डिशेज़ हैं। इस दफ़ा ये गर्मियों में लगाया था लेकिन समहाउ अच्छा एक्सपेरिमेंट नहीं रहा। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक ये ना, ये अभी दोबारा इंशाल्लाह अगले साल इसको स्प्रिंग में लगाऊंगा, तकरीबन मई के एंड में। तो फिर इंशाल्लाह इसके ना लहसुन अच्छी तरीके से बनेगा। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए कितना खूबसूरत है। ये ब्राज़ील से जो होते हैं ना, ये अपना गार्लिक वो था और कुछ स्पेनिश वाला स्पेनिश लगाए हुए, स्पेनिश के बीज जो होते हैं। उसे भी कबाब करो। अब ये मेरा बेटा ये लहसुन उतारेगा ताकि इसको भी आदत पड़े खेती बाड़ी करने से करने की। अब मेरा बेटा इसको उतारेगा, निकालेगा। अब मेरा बेटा इसको निकाल रहा है ताकि इसको भी आदत पड़े खेती बाड़ी करने की और अच्छा शुगल है।
जब भी डीप नीचे जाना चाहे। शाबाश माशाल्लाह ज़बरदस्त। हाँ और इसके नीचे उसको ऐसे पकड़ो, इसको ना इसको ये देखो ये ऐसे हाथ ऐसे नहीं हाथ दूसरी तरफ नहीं ऐसे हाथ जो ऐसे करो ऐसे। हाँ जबरदस्त ठीक है ठीक है। डीप तक जाओ ना इसके। ताकि जो इसकी नीचे वाली गुठली है वो भी निकले। चाहे उसकी जड़ों को काटना होता है नीचे से जाके। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब इसको फ्रेश पानी के साथ धो रहा हूँ। इतनी प्यारी माशाल्लाह इसमें खुशबू आ रही है, सुभान अल्लाह। अब इसकी चटनी बना के आमलेट में भी डाल सकते हैं, सूप में भी डाल सकते हैं, और इसी तरह जो चाइनीज़ डिशेस बनती हैं उसमें, जैसे मैंने पहले बताया, उसमें भी आप डाल सकते हैं। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। घर का लहसुन, ले जी ये देखें घर का काफ़ी माशाल्लाह ये लहसुन उतरा है। अब इंशाल्लाह इसको अब तकरीबन 3-4 वीक इसको हम इंशाल्लाह खाएंगे, चटनी बना के खाएंगे, आमलेट में भी डाल के खा ले खा सकते हैं, और इसी तरह चाइनीज़ बना के उसमें भी डाल सकते हैं। वेरी हेल्दी और न्यूट्रिशन, और ख़ास तौर पे जो लहसुन है इसका इस्तेमाल रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये आपकी बॉडी में जो ज़्यादा ख़तरनाक केमिकल्स होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल है या ब्लड प्रेशर है, उसको कंट्रोल करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और इसी तरह की बहुत सारी वीडियो को देखने के लिए आपको खान्स डायरी में जाना पड़ेगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।